33 करोड़ देवी देवताओं की वास कहे जाने वाले माउंट आबू में दीपावली के पहले माउंट आबू को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। सभी होटलों में भव्य सजावट की जा रही है। प्रशासन द्वारा माउंट आबू में सजावट कर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। माउंट आबू में पर्यटन सीजन दीपावली पर मुख्य होता है और पड़ोसी राज्य गुजरात में जिस प्रकार से बाजार बंद हो जाते हैं और दीपावली के तुरंत बाद वहां के लोग लाखों की संख्या में माउंट आबू आते हैं, इसकी तैयारियां माउंट आबू के लोग कई दिनों से करते हैं। अपने होटलों की साज सज्जा करते हैं और पर्यटकों को लुभाने का प्रयास किया जाता है। जहाँ दूसरी जगह गर्मी का आलम हो, लेकिन माउंट आबू में अभी से मौसम सुहाना हो गया है। ठंड पड़ने लगी है, लेकिन माउंट आबू के हसीन मंदिरों को देखकर पर्यटक काफी आनंदित हो उठते हैं। माउंट आबू में होटलों में कई प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद दिया जाता है। माउंट आबू में कई स्कूलों में दीपावली पर्व भी शुरू होता है और दीपावली पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आबू 2 महीने से तैयारी में लग जाता है। दिवाली की सीजन इतनी महत्वपूर्ण है कि इनको टूरिस्ट को लुभाने के लिए पूरी बिल्डिंग को सजाया जाता है। कलर रंग रोगान, अपनी अपनी दुकानों की सजावट, पूरे रोड के ऊपर प्रशासन भी अपनी तैयारी में लग जाता है। चारों तरफ इतना सुंदर वातावरण होता है कि आबू पधारने का सबको तैयारी रहती है कि एक मेला सा लगा रहता है कि 15 दिन तक आपको महसूस होगा कि जैसे आबू के अंदर एक इतना सुंदर हो जाता है, भीड़ मेला सा लग जाता है, इतना सुंदर लगता है और पूरा आबू इसके लिए इंतजार करता है और बहुत मजा आता है। सबसे पहले जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। दिवाली सीजन आने वाला है और माउंट आबू के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट 10 दिन है ये। तो यहाँ पे इन दिनों में मैं समझता हूँ मैक्सिमम टूरिस्ट आता है। 365 दिनों में ये दिन सबसे इम्पोर्टेंट है और हम जो होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने भी पूरी तैयारी करी हुई है। हम अपने होटल में छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं टूरिस्ट के लिए, चाहे उनकी फैमिलीज के लिए। छोटे पापेट शो होते हैं, मैजिक शो होते हैं और हम चाहते हैं कि हम टूरिस्ट को मैक्सिमम फैसिलिटीज दें और उनको मिनिमम इनकन्वीनियंस हो। कि यहाँ पे भीड़ भाड़ तो हो ही जाती है, पर इसके बावजूद भी आबू में हम लोग सब ट्राई करते हैं कि टूरिस्ट को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। तो यही मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये 10-15 दिन आबू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि माउंट आबू बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी होटल हिलॉक, हमने चारों गार्डन्स जितने भी हैं आसपास, पूरी बिल्डिंग है, अंदर है, इंटीरियर है, पूरा बहुत अच्छे से सजा रखा है। हम पूरे तैयारी के साथ टूरिस्ट का वेलकम करना चाहेंगे, क्योंकि अभी दिवाली के नेक्स्ट 15 डेज तक पूरा माउंट आबू पैक रहेगा, सारी होटल्स पैक रहेंगी और सभी लोग तैयार हैं, क्योंकि शायद 2 साल के बाद ऐसा मौका मिल रहा है कोविड के बाद कि सभी होटलियर्स वेलकम कर पाएंगे इतने सारे गेस्ट को ड्यूरिंग दिवाली टाइम। और इस टाइम पे जो हमारे मेन्यूज रहते हैं, मील रहता है, वो डिफरेंट डिफरेंट क्यूजीन का मील रहता है, कल्चरल शोज रहेंगे होटल के अंदर, जिससे कि गेस्ट अपना खुश होकर के जाए और एंजॉय करके जाए। अब्दुल अली ईरानी की रिपोर्ट।